वो जो आपको सबसे कराए रूबरू, सच वो जो बदल दे आपका नजरिया, रियासत से जुड़ी हर खबर जो आप पर करे असर, पल पल बदलती सियासत पर भी रहेगी पैनी नजर, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर होगी बात। देखिए हमारे साथ न्यूज पॉइंट सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे का वेलकम है प्रोग्राम चलते चलते में। अच्छे हैं लोग, काफी सिंपल हैं। शाहरुख खान, जेम्स लेब्रॉन, हर जगह मौका मिलना चाहिए क्योंकि शहरी खास में इट्स जस्ट लाइक ताजमहल जिसने तुम्हें बनाया। कहावत तो यहाँ का फेमस बहुत है। हम धुकश में इंटरनेशनल स्किल ट्रेनर्स को बुलाया जाए, रियली नाइस मार्केट्स आउटसाइड स्टेट्स स्पेशली इन इंग्लैंड, आवर सर्विसेज आर वास्टली इंप्रूव्ड, डिजिटल सही है, थोड़े कॉमेडी स्टाइल में के साथ साथ खूबसूरत फिजाएं। ख्वातीन हज़रात खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको। प्रोग्राम सलाम जेके में और सलाम जेके की नशरियात आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नई दिल्ली से बराह रास्त देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान इशवा गौहर। हसब मामूल आज के प्रोग्राम में भी हम मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौसम के मिजाज के हवाले से और इंतहाई हसास मामलात पर गुफ्तगू करूँगा। और आज की गुफ्तगू में आज सबसे पहले हम सीधे लद्दाख चलेंगे जहाँ पर मौसम का मिजाज तो काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और अभी तक जो हमारे पास एदाद व शुमार मुख्तलिफ ज़राया से जो हमारे पास सुबह सुबह डिटेल्स आ रही है, -9.5% तक दर्जे हरारत जो है वो लद्दाख और करगिल के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेह और करगिल दोनों सूबों को मिलाकर लद्दाख कहा जाता है और वहाँ पर मौसम का मिजाज जो है वो काफ़ी यकबस्ता हवाएं चल रही और यकबस्ता हवाओं के बीच दर्जे हरारत जो है वो मनफी तक चला गया है और 9.5 डिग्री रिकॉर्ड वहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ अगर करगिल और लेह के साथ साथ पूरी वादी कश्मीर के मौसम की सबसे पहले हम अपडेट करें और नई दिल्ली के स्टूडियो के बाहर के सूरत हाल में आपको बताते चलूं और नई दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो धुंध सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा आपको नई दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिलेगी और धुंध की वजह से हल्की हल्की ठंड का एहसास भी दिल्ली की फिजाओं में आज आपको सुबह सुबह नज़र ज़रूर आएगा। लेकिन जहाँ तक वादी कश्मीर की हम बात करें तो वादी कश्मीर में जहाँ लद्दाख का मौसमी सूरत हाल तो हमने आपको बता दिया, वहीं पर वादी कश्मीर में भी मौसम का मिजाज जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, यकबस्ता हवाएँ वहाँ पर भी हैं और दर्ज हरारत जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड भी किया गया और महकमा मौसमियात के मुताबिक जहां करगिल और लेह के अंदर 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है वहीं पर महकमा मौसमियात ने लेह के अंदर 6.5% लेह टाउन के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर शहर के अंदर रात का दर्जे हरारत 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि कम से कम 2.0 रिकॉर्ड जो है वो पहलगाम के अंदर किया गया और गुलमर्ग के अंदर 1.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से माना जा रहा है कि मौसम का मिजाज आने वाले 3 दिनों तक खुशगवार रह सकता है, हल्की हल्की धूप भी बाहर आएगी लेकिन मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ रात को यकबस्ता हवाएं जो है वो पूरे करगिल, लेह, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, बडगाम और दीगर इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें महकमे मौसमियात की और जम्मू सूबे की जहां पर हम बात करें तो जम्मू सूबे के अंदर महकमे मौसमियात की तरफ से जो एदाद शुमार दिया गया है जम्मू सूबे के अंदर 9.7 डिग्री दर्ज हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कटरा के अंदर 10.3 डिग्री, भटौट के अंदर 7.3 डिग्री, बानिहाल के अंदर 4.4 डिग्री और बदरवा डोडा के अंदर 3.4 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है दर्ज हरारत। और इस तरीके से यहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर पिछले 3 दिनों के मुकाबले में आज देखने को मिल रही है। चूँकि लद्दाख का जिक्र मैंने सबसे पहले किया था
तो लद्दाख इलाके की अगर हम बात करें, जहां पर लेह और करगिल दो अलग अलग इलाके हैं और दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपनी अपनी सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ है। जहां गुज़श्त दिनों हमने लद्दाख जो करगिल का मामला जहां तक हम देखें, तो करगिल और लेह के अंदर तलबा जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज के दौरान जहां उनकी सबसे बड़ी मांग ये थी कि इस खित्ते के अंदर एक आज़ाद यूनिवर्सिटी को कायम किया जाए, एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी हो, फुल फ्लज्ड यूनिवर्सिटी हो, ताकि वहां के तालिबे इल्मों को कोई मुश्किल ना उठानी पड़े और उन्हें वादी कश्मीर या जम्मू इलाके के अंदर पढ़ने के लिए ना आना पड़े और उनके रोज़मर्रा के मामलात जो है वो वहां पर हो सके। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि रिसर्च का एक बहुत बड़ा बेस इस पूरे इलाके के अंदर है, चाहे करगिल की बात करें चाहे लेह की बात करें, तो उस रिसर्च बेस को ढूंढने की बात जो है वो कही जा रही है। और यही वजह है कि बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों हमने देखी थी, और हमने देखा था कि यूनाइटेड स्टूडेंट्स की तरफ से जो था वो एहतजाज भी किया गया था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे लेह इलाके की, क्योंकि लेह इलाके के अंदर जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने आज बंद का ऐलान किया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक पुरानी एसोसिएशन है, एक तवारीखी पस मंज़र इस पूरी एसोसिएशन का है, और इस एसोसिएशन ने आज जो है इस इलाके के अंदर बंद की कॉल दी, और बंद की कॉल सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि लद्दाख को एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाए, यूनियन टेरिटरी की यूनियन यूटी स्टेटस लद्दाख के लिए दिया जाए। यह मानना है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का, लेह और करगिल दो अलग अलग इलाके हैं, दोनों इलाकों के अंदर सियासत भी अलग अलग है, और इस वक्त लेह के अंदर जो है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो है आज बंद की कॉल दे दी गई है, और बंद की कॉल इसलिए दी गई है वो चाहते हैं कि यूटी स्टेटस जो है वो दिया जाए। इस पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बराहराज इस वक्त ले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल कि बड़े दिनों बाद एक बार फिर यूटी स्टेटस की डिमांड को लेकर आप लोग एक हो रहे हैं और आवाज एक बार फिर आना शुरू हो गई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के बाहर की स्टेट जो सियासत थी, लेह के अंदर करगिल के अंदर अलग अलग आवाजें आ रही थी, उस बीच आज लेह का जो आपकी तरफ से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने आज जो बंद की कॉल दी है, क्या कुछ बड़ा मकसद है, सिर्फ यूटी के लिए बंद है या और भी कुछ इश्यूज है जिनको लेकर आज बंद कॉल दी गई है? नहीं सर, देखिए सबसे बड़ा जो डिमांड है हमारा वो यूटी का 1949 से हमारा चल रहा है, तो ये कोई नया डिमांड हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पुराना डिमांड है। आज तक हमने यूटी के लिए हमने डिमांड किया है, तो हम चाहते हैं भारत सरकार ने कश्मीर पे जो भी डिसीजन देना होगा, मगर उस पे लद्दाख का जो डिमांड होगा वो लद्दाखियों से पूछकर ही करना होगा। हमारे नुमाइंदगी कश्मीर के लीडर्स नहीं कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं हमारा आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हम किसी भी तरह से हम कश्मीर के साथ मेल नहीं खाते हैं, तो हमें जबरदस्ती भारत सरकार ने कश्मीर के साथ रखा हुआ है, जिसका हम अपोज कर रहे हैं। आज से नहीं, आज से 17 साल पहले से हम इसका डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी बात जो मैं मुझे आज लग रहा है वो ये है कि आपके इस पूरे इलाके के अंदर, चाहे करगिल की मैं बात करूं चाहे मैं लेह की बात करूं, दो अलग अलग आवाजें हैं। करगिल की आवाज अलग है, लेह की आवाज अलग है, तो ये ट्राइफर्केशन में तो स्टेट नहीं जा रहा है, स्टेट विद इन द स्टेट। देखिए हम जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने आज तक जो भी डिमांड रखा है, जैसे हिल काउंसिल का है, वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठा था, और उसी के बदौलत जो लय और कारगिल को हिल काउंसिल मिला है, वो सबसे कंट्रीब्यूशन जो है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का है। और उसने हमें ये खुशी की बात ये है कि जो लेह डिस्ट्रिक्ट में हमारे मुस्लिम भाई है, हमारे क्रिश्चियन है, सबके सहयोग से हमें ये मिला है। अब कारगिल वाले उस वक्त भी इसका अपोज करते थे, करगिल वाले ने एसटी का अपोज किया था,
मगर ले वालों ने जो डिमांड किया उसको बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया। हम चाहते हैं कि कारगिल के जितने भी हमारे लीडर्स हैं हम बैठ के उनसे भी बात करें, यूटी के मुद्दे पे हम उनसे बैठ के बात करना चाहते हैं, मगर वहाँ पे कोई रेडी ही नहीं है कि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मगर हम मुझे ये पूरा उम्मीद है अगर ले डिस्ट्रिक्ट को ये यूनियन टेरिटरी अगर दिया जाता है तो पूरे जोर शोर से करगिल वाले भी इसके इसके फेवर में आ जाएंगे। शिवांग साहब, आप ही के एलबीए के वाबस्ता जो थे एक बहुत बड़े लीडर, वो एमपी भी बने, अगरचे भारतीय जनता पार्टी के साथ वो रहे और बाद में उन्होंने पिछले दिनों किनारा कशी भी की है, 4.5 साल तक सरकार दिल्ली के अंदर रही और आपसे वादे भी हुए, तो आज 4.5 साल बाद दोबारा इस तरीके की आवाज, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड विल तो नहीं है? नहीं सर, आप देखिए, आप किसी भी बंदे से पूछिए लद्दाख में, एलबीए इज ए पॉलिटिकल, हमने कभी भी सियासत में हमने हाथ नहीं लगाया है, ना ही हम डालेंगे। लेकिन एलबीए सियासत से बाहर रही कब? एमपी साहब का अपना डिमांड था, शिवांग साहब ने किस हिसाब से रिजाइन दिया है वो हमें पता नहीं है। शिवांग साहब, एलबीए सियासत से बाहर रही कब? आज तक बाहर रहा, हमने कौन से सियासत में हमने हाथ डाला है? ना हमने एमएलए इलेक्शन में हमने हाथ डाला है, ना हम हिल काउंसिल के इलेक्शन में हमने हाथ डाला है, ना ही हमने एमपी के इलेक्शन में हमने हाथ डाला है। लेकिन डायरेक्शंस तो पास हुई? नहीं सर, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा कोई हाईकमान नहीं है जो हमें डायरेक्शन दे। अब कारगिल में आप देखिए, इस्लामिया स्कूल है, आईकेएमटी है, वो दे आर टोटली पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर नॉट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए शिवांग साहब, अगर मैं आज की बंद की बात करूं तो क्या उम्मीद है आपकी और इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? जी, ये 100% आज का हमारा ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। इसके बाद हमारे जितने भी ले में हमारे जितने भी कम्युनिटीज है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, हम मिलके इससे ज्यादा इससे बड़ी तादाद पे हम इसका डिमांड करने जा रहे हैं। आपकी तरफ से दिनेश्वर शर्मा साहब से भी मीटिंग हुई, होम मिनिस्टर साहब से भी आप मीटिंग हुई थी इस बारे में, तो क्या कोई एश्योरेंस वहां से था होम मिनिस्ट्री की साइड से या दिनेश्वर शर्मा साहब की तरफ से? जिस दिन हमने राजनाथ सिंह से हमने मुलाकात किया था उस वक्त लद्दाख के जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, जितने भी हमारे पॉलिटिकल थे, हम सब ने एक ही आवाज में एक ही सुर में हमने सिर्फ यूटी का मुद्दा उठाया था और उसके अलावा हमने किसी भी डिमांड कोई भी डिमांड हमने नहीं की थी। और जब दिनेश्वर शर्मा जी आए थे, दो बार आए थे ले में, तो उनसे भी हमने सिर्फ यूटी के हमारे आइडेंटिटी, हम किसी भी तरह से हम कश्मीर से मेल नहीं खाते हैं सर, आपको भी पता है जो डिस्टेंस हमारा है 400-500 किलोमीटर दूर बैठ के जो हम पे हुकूमत चलाएंगे वो ये किस हिसाब से हमें रखा गया है। तो ये जो ले से एक आवाज आई थी कि हमें डिविजनल सतह का एक डिविजनल कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, प्रॉपरली एक डिविजन दिया जाए, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये सब छोटी मोटी बातें हैं सर, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ना हमने कभी बोला था ये, उनकी तरफ से हमें ये बोला गया कि आप डिविजनल क्यों नहीं देते। अब ये छोटे मोटे चीज पे हम कुछ नहीं होंगे सर, ये उन्होंने पैकेज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, हम लद्दाख को पूरी तरह से हम कश्मीर से अलग होना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम लिंक करना चाहते हैं, तो इसमें डिविजनल के बाद ये ट्राइबल के बाद ये सब नहीं आते हैं सर, ये लोगों का गाया हुआ है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए स्वांग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि एक अलग स्टेटस वो चाहते हैं, यूटी स्टेटस चाहते हैं, और इस सिलसिले में आज बाजाबता तौर पर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी है और बंद का असर जो है वो सुबह सुबह खासा नजर भी आ रहा है। बात हम कर रहे थे सरतरीन इलाके लेह करगिल की, जरा इसके बाद अब बात करते हैं आसारे कदीमा की, क्योंकि आसारे कदीमा की जहां तक हम बात करें, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जहां तक हम बात करें, जो महकमा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो रियासत के तुल अर्ज के अंदर जब आप नजर डालते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर आपको आसारे कदीमा जो है वो नजर आते हैं, यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको नजर आती है, शहर श्रीनगर का इलाका हो या शहर श्रीनगर के बाहर बाहर के इलाके हो, यानी आप नॉर्थ कश्मीर की ओर जाइए, आप साउथ कश्मीर की ओर जाइए, हर जगह आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, चाहे वो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, या जिस तरीके से भी आप उनको देखना चाहते हैं आपको वो मिलेंगे, और उनके पीछे एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री रहती है। लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूं, बात है आर्कियोलॉजी
सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की, क्योंकि एएसआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो परी महल है अगर उसको ठीक तरह से नहीं लिया गया, अगर परी महल को दोबारा रिनोवेट नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में परी महल की शानी रफ्तार जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो इसकी पहचान है वो ख़त्म हो सकती है। और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बाजाबदा तौर पर वहाँ से पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर तैनात हैं, उनको हटाने के हवाले से बाजाबदा तौर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो राबता किया है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक परी महल के आसपास जो हमारा मॉन्यूमेंट है, जो समर कैपिटल श्रीनगर के अंदर और जीरीडल के बिल्कुल पास में है, वहां पर दारा शुकू ने 1600 के आसपास सारा कुछ बनवाया था और उसके बाद 1640, 45 और 56 के दौरान वो वहां पर रहे भी थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ये दारा शुकू का ये पूरा मामला जो है, ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट परी महल के नाम से माना जाता है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है तबाही की दहलीज तक पहुंच चुका है और उसकी देखभाल के लिए, उसको रिनोवेट करने के लिए पूरी तौर पर कदम उठाने की जरूरत है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ सूबाई इंतजामिया को इस सिलसिले में मुतालिया किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वहां पर रिनोवेशन करना मतलूब है और जो बीएसएफ का पिकेट वहां पर है उसको हटाना काफी जरूरी है। अगरचे अभी मैं बीएसएफ के जरायों की अगर मैं बात को सही मानूं तो उनका मानना है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कम कलील तादाद में वहां पर सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय की गई है, क्योंकि नीचे गवर्नर हाउस भी है और चश्माशाही के आसपास वीवीआईपीज रहती है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इस तरीके का बंदोबस्त करना जरूरी है। ताहम जिला तरक्याती कमिश्नर जो लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबरा भी है, उनका ये मानना है कि इस मामले की संजीदगी को देखा जाएगा और जितना जरूरत हो उतना काम किया जाएगा, यानी जो जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हाथ में लेने हैं एएसआई उसको ले सकती है और सिक्योरिटी का वहां पर ज्यादा कोई अमल दखल नहीं है और जिस एरिया को लेकर उनका कंसर्न है वहां पर भी सिक्योरिटी को हटाया जा सकता है अगर इस मॉन्यूमेंट को बचाना है। तो कुल मिलाकर मॉन्यूमेंट की बात आई है, आसारे कदीमा परी महल अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जुबुहाली की ओर आ रहा है और इसका हाल भी उसी दीवार की ओर हो रहा है जो दीवार कलाई के नाम से जाना जाता है शहर श्रीनगर के अंदर, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और आहिस्ता 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 करके वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो हमारे शहर के अंदर था वो ख़त्म हो गया। और अगर अब परी महल की ओर तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में परी महल माजी की याद बनकर रह जाएगा और सिर्फ तवारीख का हिस्सा होगा और चंद तस्वीरें और वीडियोस हमें मिलेंगी कि एक जमाने में यहां पर एक बेहतरीन इमारत हुआ करती थी जिसको देखने के लिए दूर दराज इलाके से लोग आते थे। एएसआई की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी बात मरकज के सामने रखी है और स्टेट के सामने रखी है कि वो परी महल को रिनोवेट करना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी कंसिडरेशन नजर में रखते हुए वो इस काम को हाथ में नहीं दे रहे हैं। चलिए ये तो बात थी लद्दाख और एएसआई की, अब जरा बात करते हैं गवर्नर साहब की, क्योंकि गवर्नर साहब ने जहां गुज़श्ता दिनों रियासती असेंबली को तहलील कर दिया और रियासती असेंबली को तहलील करने के फौरन बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बयानात जारी किए गए और उन बयानात में जहां कुछ बयान ऐसे थे जिन्होंने बराह रास्त तनकीद की गवर्नर हाउस को, बल्कि कुछ लोगों की तरफ से इस तरीके का भी बयान आया कि इस तरीके का मामला जो किया गया ये सरीहन सही है और आने वाले दिनों में इसके बेहतर नतायज भी जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का बयान आया है और ये बयान जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि बयान के अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जिस तरीके से गवर्नर ने फैसला लिया है असेंबली को डिसॉल्व करने का, वो फैसला दरअसल हकायक पर मबनी था, क्योंकि अगर दोनों या तीनों पार्टियां ये चाहती थी कि वो वाकई तौर पर सरकार बनाए तो वो गवर्नर के सामने आ सकती थी और गवर्नर हाउस के साथ राबता करने के बजाय सीधे बराह रास्त फोन पर गवर्नर के साथ मिल सकती थी और अगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो वो अपने नुमाइंदे को भेजकर हमारे पास आकर ये कह सकती थी कि हम
सरकार बनाना चाहते थे, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि मजीद कंफ्यूजन और क्योस स्टेट के अंदर हो, ये मानना है सत्यपाल मलिक साहब का, और सिर्फ ये बयान कल दिया गया है उनकी तरफ से। सत्यपाल मलिक का मानना है कि साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती उनके पास आई और जिन्होंने जिस दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया कि उनके MLAs को डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि गवर्नर ने कल एक और बात कही है और ये कहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन भी उनके पास आए, जिनके पास दो MLA हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि उनके MLA को डराया धमकाया जा रहा है। तो ये बात जो है ये काफ़ी अहम है और इसी बात को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बयान आए थे कि गवर्नर साहब बात को साफ करें कि कौन किसे डरा रहा था और कौन किसको धमकी दे रहा था और उस धमकी के पीछे क्या कुछ है। तो ये बात एक बार फिर अब आने वाले एक दो दिनों में आप देखेंगे कि इस पर सियासत जो है वो काफ़ी गर्म होगी। बात गवर्नर साहब की थी जो ग्वालियर में थे, एक निजी यूनिवर्सिटी से तलबे इल्मों से खिताब कर रहे थे और हाशिए पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया वो एज पर द लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है। बात सत्यपाल मलिक साहब की हम कर रहे हैं जिन्होंने असेंबली को तो डिसॉल्व किया है लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हालात और सियासत जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी और बात करूंगा इंडस वाटर ट्रीटी पर, जिसको लेकर विनोद कुमार जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ेंगे, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे और बात करेंगे नॉर्वे सदर की जो इन दिनों POK के अंदर है और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। इन दोनों खबरों का खुलासा आपके सामने ज़रूर रखूंगा लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पर, क्योंकि अब और कुछ प्रोजेक्ट्स मरकजी हुकूमत हाथ में लेने जा रही है। सदर की नॉर्वे का सदर जो गुज़श्ता दिनों वादी कश्मीर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने अलहदगी पसंद खीमा मीरवाइज उमर फारूक और सईद अली गिलानी के साथ उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और वादी की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश की। वहीं पर माना जा रहा है कि साबिक नॉर्वे सदर जो है वो POK चले गए और वहाँ पर पाकिस्तान इंतज़ाम कश्मीर के जो सदर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, सरदार मसूद खान के साथ, और सरदार मसूद खान और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म के बीच मुलाकातों का सिलसिला जो है वो दो दिन से जारी रहा है, जिस दौरान रियासत की कुलहम सियासी समाजी और इख्तिसादी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है और साफ किया गया है कि नॉर्वे चाहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान भारत और पाकिस्तान के बीच मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो, मुज़ाकरात का सिलसिला तेज़ हो, ताकि जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तकिल हल के लिए कोई रास्ता निकल सके। नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म का बयान POK से आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए जाएं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो दोनों रियासतों के बीच में, मुनकसिम रियासतों के बीच में, उसे परवान चढ़ाया जाए ताकि रियासती आवाम को और फ़ायदा इससे मिल सके। नॉर्वे के साबिक सदर वज़ीर आज़म का बयान आया है मुजफ्फराबाद से, जहां पर उन्होंने POK के सदर सरदार मसूद खान के साथ मुलाकात की है और साथ साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो POK के अंदर लीडर्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उनका बयान जो है वो सामने आया है। ताहम सालिसी से साफ इनकार नॉर्वे ने किया है और कहा है कि भारत पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालें। चलिए ये तो बात थी सियासत की, अब जरा बात करते हैं वादी कश्मीर में तैलीम के निज़ाम की, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर तैलीम का निज़ाम जो है वो हर दिन गुजरने के साथ बदल रहा है। जहां गुज़श्ता दिनों हमने बात की थी निज़ाम तालीम के अंदर क्या कुछ खामियां हैं और किस तरीके से प्राइवेट स्कूल दो दो हाथों से लूट रहे हैं, और उसके बाद नाज़िम तालीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया था और ज़िला तरक्याती कमीशन ने इंश्योर किया था कि प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी और उन्हें मनमानी करने की किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं होगी। आज एक और खबर हम अरबाब इख्तदार तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मनमानियां हो रही हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की,
تعلیم کے نام پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکاری نظام بھی درست نہیں ہے. اور سرکاری نظام کے اندر اگر میں جموں پروینس کی آج بات کروں تو جموں صوبے کے اندر سرکاری اسکولوں کا آڈٹ کرنا، سرکاری اسکولوں کی بلڈنگوں کا آڈٹ کرنا ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ سبھی سرکاری اسکولی بلڈنگوں کا آڈٹ کیا جائے اور یہ پتہ لگایا جائے کہ کس اسکول بلڈنگ کی کیا کچھ سچویشن ہے اور کتنی وہ بہتر ہے اور کتنی وہ خراب ہے. لیکن ہمارے پاس جو اتھینٹک رپورٹ کا ایک حصہ لگا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جموں کے 10 اضلاع میں سے جب یہ آرڈر نکالا گیا تھا کہ بلڈنگوں کا آڈٹ کیا جائے، سیفٹی آڈٹ کیا جائے کہ کتنی سیف ہے وہ، کتنی سیکیور ہے وہ، اس میں سے صرف ایک ڈسٹرکٹ کی طرف سے رپورٹ دے دی گئی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے سابق حکومت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت جب ریاست کے اندر تھی اور اس وقت کے سیکرٹری ایجوکیشن فاروق احمد شاہ نے سبھی سی او سے یہ کہا تھا کہ وہ سکولوں کے سیفٹی آڈٹ، جو پرانی بلڈنگز ہیں ان میں جو سیفٹی آڈٹ ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے. اور اس رپورٹ کو پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا تاکہ ڈاٹا سرکار کے سامنے رکھے کہ کتنے سکول ہمارے خراب ہیں جن کو رینوویٹ کرنا ہے اور کہاں پر کیا کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن صرف جموں ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر باقی کسی بھی ڈسٹرکٹ کی طرف سے رپورٹ نہیں دی گئی. اور مانا جا رہا ہے رپورٹ نہ دینے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فالو اپ بعد میں محکمہ تعلیم یعنی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے نہیں کیا گیا. یہ صرف سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر نہیں دیا گیا تھا کہ آپ سیفٹی کو دیکھیں، بلکہ منسٹری فار ہیومن ریسورس اینڈ ڈیولپمنٹ نے اگست کے مہینے میں بھی ایک حکم نامہ اور ایک ایڈوائزری سٹیٹ اور یونین ٹیریٹریز کو دی تھی، جس میں جموں کشمیر کو بھی یہ آیا تھا کہ آپ آڈٹ انشیور کروائیں اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف اسکول گوئنگ چلڈرن، جو ہمارے بچے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے یہ آڈٹ کروایا جائے تاکہ ہمارا نیکسٹ پلان جو ہو وہ یہ ہو کہ ان جرجر اور ان خستہ حال اسکولوں کی عمارتوں کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. ابھی جو آفیشیل ڈاٹا ہمارے پاس آیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی اسکول ہمارے جموں صوبے کے اندر ہے 842 اسکول جو ہے ان میں 90% اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ اکوموڈیشنس میں چل رہے ہیں اور 0.12 اسکول جو ہے گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ اس قدر خستہ حال ہے کہ کچھ علاقوں کچھ اسکولوں کے اندر تو بورڈ نہیں ہے اور کچھ کے اندر دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کچھ کے اندر حالات ہی ابتر ہے. لیکن نہ جانے کیوں آج تک رپورٹ پیش نہیں کی گئی ان ارباب اقتدار اور ان لوگوں کی طرف سے سرکار کے سامنے جو بلند بانگ دعوے تو یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ بچوں کی سیفٹی، بچوں کے تحفظ، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے پیش رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ رپورٹ ایوان تک پہنچاتے، رپورٹ سرکار تک پہنچائے، نہ جانے کیوں انہوں نے لہ تو لہل سے کام لیا ہے. جموں صوبے کی جہاں تک میں بات کروں 842 گورنمنٹ اسکولس ہیں لیکن ان میں سے 90% اسکول ایسے ہیں جو پرائیویٹ اکوموڈیشنز میں چلتے ہیں اور انتہائی خراب حالات میں ہیں. رجوری ڈسٹرکٹ سب سے ٹاپ لسٹ میں ہے جہاں سے 212 اسٹیٹ رن اسکول ہیں، فالوڈ بائی کشتواڑ 142، کٹھوا 91 گورنمنٹ اسکول، ڈوڈا 81 اسکول، جموں 46، پونچھ 64، رامبن 126، ریاسی 101، سامبا 14، ادھم پور 5. اور اس طریقے سے اگر آپ پوری فہرست کو دیکھیں گے تو کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر سرکاری اسکول نہیں ہے. لیکن ان سرکاری اسکولوں کی حالت کیا ہے، رپورٹ آج تک بھی محکمہ تعلیم ڈپارٹمنٹ آف اسکول ایجوکیشن نہ تو جموں کے پاس ہے اور نہ ہی کشمیر کے پاس ہے اور نہ ہی منسٹری فار اسکول ایجوکیشن کے پاس یہ پورا ڈاٹا ہے کہ کتنے اسکول ہمارے خراب ہوئے ہیں، کتنا پیسہ اس کو چاہیے، کس طریقے کی پلاننگ چاہیے. بڑا سوال ہے. سٹیٹ گورنمنٹ کے آرڈر اپنی جگہ، یونین گورنمنٹ کے آرڈرز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے سٹیٹ کے اندر. یہ بات میں صرف جموں صوبے کی کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک پرائیویٹ اسکولوں کی میں بات کروں تو پرائیویٹ اسکولوں کی من مانیاں جو ہے وہ عروج پر ہے اور صرف 24 گھنٹوں کے دوران 18
फोन कॉल्स हमारे न्यूज रूम को मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि शहरी श्रीनगर के अंदर बड़े नामी ग्रामी स्कूलों ने बेतहाशा फीस में इजाफा किया है, और ये बेतहाशा इजाफा जो है ये दो दो तीन तीन हजार से लेकर 6,000 तक चला गया है, और माना जा रहा है कि अगर किसी स्कूल ने पिछले साल 3,000 लिए थे तो इस साल वो 6,000 ले रहे हैं। और स्कूल बंदोबस्त चलाने वाले लोगों का मानना है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, और जिस तरीके से बाजारों में रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों को, उन्हें भी अपने स्कूलों के अंदर स्कूल फीस स्ट्रक्चर के अंदर रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, एक का मानना यह है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि हम जो पैसा ले रहे हैं वो तो बच्चों पे ही लगा रहे हैं, चाहे हम वहां पर सोशल नेटवर्किंग को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे हम उनके लिए मजीद इक्विपमेंट्स ला रहे हैं, तो ये तो बच्चों के लिए है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मुंतजमीन ने यह भी कहा है। लेकिन सवाल यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर एक इदारा बनाया है, जो जिस इदारे को यह इख्तियार दिया गया है कि वो स्कूलों पर नजर रखे और स्कूल अपनी मनमानियों से फीस ना बढ़ाए, और उस फीस स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशात आने के बाद ही किसी तरीके से फीस बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बड़े नामी ग्रामी स्कूल, जिनमें कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स भी हैं, यानी वो स्कूल जिन्हें जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वो बच्चों को तालीम दे सके और गरीब बच्चों की तालीम को यकीनी बना सके शहरी श्रीनगर के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से बेतहाशा फीस में इजाफा किया और हुक्काम की खामोशी हुई है, इसके बाद सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं नाज़िम तालीम पर कि क्या वो कार्रवाई करेंगे उन स्कूलों के लिए जिन स्कूलों ने शहर के अंदर एक बड़ा नेटवर्क चलाते हुए मनमानी फीसें जो है वो लेना शुरू की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फीस एडवाइजरी कमेटी भी हमारे सामने। हम कोशिश करेंगे कि आज इस पर हम सरकारी वर्जन भी ले सके, सरकार का व्यू पॉइंट भी ले सके, और उनकी कार्रवाई क्या कुछ रहेगी इस पर मैं जरूर आज दिन में एक बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि सरकार ने इस पर क्या कुछ किया होगा। अब चलते हैं जरा पंजाब, क्योंकि पंजाब से खबर इस वक्त यह आ रही है कि पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने 3 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई है, और यह गिरफ्तारी पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई, और माना जा रहा कि तीनों से पूछताछ जो है वो चल रही है। पंजाब पुलिस ने 3 नौजवानों की गिरफ्तारी पठानकोट के पास की है, पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास, और उनसे पूछताछ की जा रही है। खुद इसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो आईजी बॉर्डर की तरफ से की गई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले कई दिनों से जो है इस पूरे इलाके के अंदर अलर्ट था, क्योंकि माना जा रहा था कि एक कुछ लोगों की तरफ से एक गाड़ी को हाईजैक किया गया था, और उसके बाद कुछ पता नहीं लग रहा था, और यही वजह है कि पुलिस जो है वो हर तरफ से अलर्ट थी, और इन 3 नौजवानों को जो है वो ट्रेन में देखा गया, पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास इनको रोका गया, और इनकी आइडेंटिफिकेशन और मजीद पूछताछ के लिए फिलहाल इन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है, और माना जा रहा है कि अगर ठीक सब कुछ रहा तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हुई है। एसएस परमा जो है आईजी बॉर्डर रेंज पंजाब, उनकी तरफ से तस्दीक हो गई है कि चंद नौजवानों की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है, जो दिल्ली से जो जम्मू से दिल्ली की ओर आ रहे थे और पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। बात पंजाब के बाद जरा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की करते हैं, क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा अहम तरीन इदारा है जिसे शहरी तरक्की का काम सौंपा गया है, यानी शहर को खूबसूरत जाज़िब नज़र बनाने के लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट को बनाया गया, और इस हाउसिंग डिपार्टमेंट के मातहत HUDD डिपार्टमेंट के मातहत जो है वो मुख्तलिफ काम जो है वो किए जाते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत। और एक बड़ा काम जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर इनको सौंपा गया था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो काम सौंपा गया था। कश्मीर की आज बात नहीं करूंगा, जम्मू की बात करूंगा। 2 अहम प्रोजेक्ट HUDD डिपार्टमेंट को दिए गए थे, जो उधमपुर और रजौरी टाउन, उधमपुर टाउन और रजौरी टाउन के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निकलता है
उसको किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज किया जाए और सेग्रीगेट किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि पॉल्यूशन लेवल ना बढ़ सके और शहर खूबसूरत और जाज़बे नज़र बने। और इस सिलसिले में एक कसीर रकम जो है 1.90 करोड़ रुपीस जो है वो डिपार्टमेंट को दे दी गई थी, जिसमें डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया दोनों टाउन्स के अंदर कि हम किस तरीके से ये पूरा कूड़ा करकट जो है शहर का जमा करेंगे, कहां पर करेंगे, उसके बाद सेग्रीगेशन प्रोसेस क्या रहेगा। और ये पूरा डीपीआर जो है ये बनाया गया, जिस डीपीआर पर 3.50 लाख यानी 3.50 लाख रुपीज जो है वो खर्च हुए हैं, और डॉक्यूमेंट जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास आ गया था। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन की बारी थी, लेकिन यहां पर पेच फंसा। और हम अपने नाजरीन को बताते चले कि अब ना उधमपुर के अंदर और ना ही रजौरी के अंदर आप इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि जब यह सर्वे किया गया तो सर्वे में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई तो पता लगा न तो उधमपुर में कोई जमीन है और ना ही रजौरी के अंदर कोई जमीन है जहां पर आप ये बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और हवा में सारा प्रोजेक्ट बनाया गया था, और उसके बाद ये 1.90 करोड़ रुपया जो था, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास 2010-11 में दिया गया था, उसको फ्रीज किया गया, बैंक अकाउंट्स में रखा गया, और हर साल इसको एक बैंक अकाउंट से निकालकर दूसरे बैंक अकाउंट में डाला जाता है। और 2010 में शुरुआत हुई थी, 2018 आते आते भी यह पैसा सरफ नहीं हो सका। सिर्फ चंद पेजेस बनाए गए हैं, चंद प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए गए हैं, और वो भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए गए कि जहां पर मशीन लगानी है किसी को यह पता ही नहीं है कि क्या वहां पर जमीन है भी कि नहीं, किस तरीके से यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए गए बड़ा सवाल है। और क्या हमारी साबिका हुकूमतें, मौजूदा सिस्टम इस बात को जान रहे हैं कि यह कितना हसास मामला है कि अगर हम 1.90 करोड़ रुपया सीवरेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम अडॉप्ट करने के बजाय हम धोखा दे रहे हैं खुद को भी और रियासत को भी, ये कितना बड़ा धोखा है, इस पर एक बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है। और ये पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है, एक बड़ा सवाल आज सबके सामने है, क्योंकि जब भी रजौरी और दीगर इलाकों की तरफ से, उधमपुर की तरफ से ये बात कही गई कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, तो कहा गया कि पैसा नहीं है। बार बार असेंबली के अंदर भी बहुत बार ये कहा गया कि पैसा नहीं है, लेकिन बावसूक और जो हमारे सोर्सेज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है, उनका मानना है कि पैसा तो था लेकिन पैसे को इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। चलते चलते अब आपको बताते चले जेके बैंक का हाल भी, क्योंकि जेके बैंक के अंदर जहां इन दिनों सियासत काफ़ी गर्म है, क्योंकि रियासत के अंदर गवर्नर साहब जो हैं सत्यपाल मलिक साहब ने उसको एक अलग दायरे में लाने की कोशिश की है, PSU बनाने की कोशिश में रखे हैं और उसे RTI के दायरे में लाया है। उसके बाद बैंक के अंदर भी सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है और बैंक के बाहर भी सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। सियासी पंडितों का मानना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बैंक की सियासत और भी मज़ीद गहराई के साथ आगे आ सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने जहां इसको ऑटोनॉमी के साथ जोड़कर यह कहा है कि यह स्टेट की ऑटोनॉमी पर शबखून है, और जम्मू कश्मीर बैंक जो महाराजा के टेन्योर में बनाया गया था और एक आज़ाद इदारा था, उसे PSU बनाकर जो है दोबारा एक ऐसे निज़ाम की ओर इसे धकेला जा रहा है जो निज़ाम पहले ही हम देख चुके हैं, क्योंकि हमारे पास 8 से 12 PSUs हैं, लेकिन वो PSUs कितनी फंक्शनल है सबके सामने है। और अगर यहाँ पर भी जेके बैंक को उसी तरीके से बनाया गया तो हालात इसके भी वैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑटोनॉमी और अथॉरिटी इस वक्त चेयरमैन की है, जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंट होकर फैसले ले सकते हैं, फैसले करवा सकते हैं, शायद PSU बनने के बाद उनकी उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर तक आ सकता है, और सरकार के मातहत फिर हर एक फैसला होगा, जिसके बाद सबको सामने ये है कि हमारे पास जो PSUs है उनका हाल क्या हुआ, कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन जहां तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें या हम इकोनॉमिकल अलायंस की बात करें, कश्मीर के अंदर सब लोगों ने इसकी मुखालफत की है और कहा है कि अगर गवर्नर इंतजामिया इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो सड़कों पर एहतजाज होगा। ये बड़ी बात जो है वो सामने आई है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो एहतजाज शुरू होगा। अब ये एहतजाज किस तरीके का होगा, क्या होगा?
ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال تاجر اور سیاسی پارٹیاں ایک ہی پیج پر ہے کہ اس کی آٹونومی کو بحال کیا جائے. جس طریقے سے بینک چل رہا ہے اس کو اسی طریقے سے چلنے دیا جائے. اگر آر ٹی آئی کے دائرے میں لانا ہے وہ لایا جائے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہو, لیکن جو آٹونومس سٹرکچر اس کا ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. یہ بات کہی جا رہی ہے سبھی لوگوں کی طرف سے. اور کل ہم نے دیکھا کہ علیحدگی پسند خیمہ بھی اس پوری ریس میں آ چکا ہے, اور کل میر وائز عمر فاروق نے بھی سرکار کے اس فیصلے کی نقطہ چینی کی ہے. تو سامعین نیتا آج کا پروگرام سلام جے کے اپنے میزبان اشفاق گوہر کو آپ دیں گے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل صبح 8:30 ہوگی آپ سے پھر ملاقات پروگرام سلام جے کے میں. جب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں, لیکن اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. اللہ حافظ.